Hi friends, I'm Aryan Vaid and I welcome you guys to another episode of our show called Aawaz O Andaz. Ji haan dosto, main hoon Aryan Vaid, aapka host aur aapka dost. Aur aapka swagat karta hoon ek naye episode mein hamare show mein, jiska naam hai Aawaz O Andaz. Aur jahan aawaz ki baat karte hain, wahan hame andaaz ki bhi baat karni hogi. Aur andaaz ko lekar bhi हमारे साथ जुड़े हैं एक जाने माने कलाकार. टेलीविजन से कोई दो तीन दशक पहले से ही लोकप्रिय सूचना और मनोरंजन का माध्यम था रेडियो. यानी अगर यह कहा जाए कि उस जमाने में सूचना और मनोरंजन का माध्यम सिर्फ रेडियो ही था तो यह गलत नहीं होगा. रेडियो के उद्घोषक, समाचार वाचकों की लोकप्रियता उस जमाने से लेकर अब तक किसी मशहूर सेलिब्रिटी से कम नहीं रही है. आवाज और अंदाज के इस नए एपिसोड में हम आपको एक बार फिर आवाज की दुनिया से जुड़े एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो के एक बहुत ही जाने माने प्रेजेंटर की. एक नहीं बल्कि आकाशवाणी पर कई सारे शोज होस्ट करने वाले बहुत ही मशहूर और बहुत ही पॉपुलर. आइए मिलते हैं अमरकांत दुबे जी से. नमस्कार, मैं अमरकांत दुबे अनाउंसर हूँ विविध भारती में. बरसों हो गए, आज मौका मिला है बख्शी साहब के बारे में बात करने का. बड़ा मुश्किल है इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना. और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर बख्शी साहब ना होते या उनके लिखे हुए गीत ना होते तो तमाम रेडियो स्टेशंस क्या करते. क्योंकि मैं जबलपुर शहर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश के, और छोटा शहर नहीं है, आज तो बहुत बड़ा हो गया है. हाँ, जब हम थे तब उतना ज़्यादा मीडिया या इवन वहाँ रेडियो विविध भारती का प्रसारण भी, विज्ञापन प्रसारण सेवा नहीं थी वहाँ पे, आकाशवाणी केंद्र ज़रूर था, तो हम सीधे विविध भारती सेवा को जो है वो नहीं सुन पाते थे. शॉर्टवेव पर हमको सुनने मिलती थी लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस होता था. हाँ, सीलोन हम सुनते थे, श्रीलंका का जो विज्ञापन प्रसारण का जो केंद्र था वो, उसकी सेवा जरूर हम तक पहुंचती थी. तो जब छोटे थे तब तो ये एहसास नहीं था, कि पता नहीं था क्या ये भी कोई फील्ड होती है या कुछ होती, लेकिन एक अजीब सा शौक था मुझे. जब थोड़ा सा, मतलब ये समझिए कि शायद उम्र मेरी 12-13 साल रही होगी या कुछ, तो जब मैं सड़कों से गुजरता था या बस में जा रहा हूँ या मैं ट्रेन में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो जो साइन बोर्ड्स होते थे उनको मैं बड़े अलग तरीके से पढ़ता था. भारत जनरल स्टोर, और नीचे लिखा होता था प्रो शुक्ला जी. तो वो प्रो का मतलब मुझे ये नहीं मालूम होता था जितने छोटे में, कि उसका मतलब प्रोप्राइटर होता है, तो मैं उस प्रो को प्रोफेसर पढ़ता था. भारत जनरल स्टोर प्रोफेसर शुक्ला जी, ये फलां ये है, तो मैं उसको ऐसे पढ़ता था जैसे मैं वो रेडियो में जब वो सुना करता था उद्घोषणाएं या वो एड जो होते थे, तो मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ इस तरह से बोलूं. तो ऐसे छोटे बचपन से ही ये आदत कहीं अंदर, कहीं ना कहीं एक अंतर मन में ये चीज़ें अपने आप धीरे 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 चली गई. और स्कूल में या कॉलेज में अक्सर जब भी मौका मिलता तो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को, ये कोशिश करता था अपने आवाज़ के ज़रिए थोड़ा सा प्रभावित कर सकूं, थोड़ा सा लोगों को ये बता सकूं कि साहब मैं आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी बात को बोल सकता हूं. लेकिन तब भी मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं उद्घोषणा करूंगा या कर सकता हूं, ये बात मेरे जहन में तब तक भी नहीं आई थी.